हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल, मैं आज आप सबके लिए जो इंग्लिश ग्रामर का आज ये थर्ड पार्ट है प्रीपोजिशन का, ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग जो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, साथ ही साथ दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। और ये सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग नहीं है, ये जो स्कूल के बच्चे हैं उनके इंग्लिश ग्रामर के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। सो आप लोग अपने बच्चों को या फ्रेंड को या दोस्तों को या अपने छोटे भाई बहनों को सबको मतलब रेफ़र कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। पहले दो पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कवर कर लिया था। सो आज हम लोग करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन से। ही इज़ इंटरेस्टेड डैश हिस्ट्री, ऑप्शन ए अबाउट, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी ऑन। सो कौन सा करेक्ट होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी इन। ही इज़ इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, ध्यान रखना वो इंटरेस्टेड किस चीज़ पे है? हिस्ट्री पे है। क्वेश्चन नंबर 12, यानी आज का सेकंड क्वेश्चन, प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर डैश माई पर्सनल अफेयर्स, ऑप्शन ए अबाउट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी ऑन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी इन। प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर इन माई पर्सनल अफेयर्स। सो ये अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13, यानी आज का थर्ड नंबर क्वेश्चन, ग्रीन पेपर इज वेरी रिच ऑप्शन डैश विटामिन सी, ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी अबाउट, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी इन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इन। ग्रीन पेपर इज वेरी रिच इन विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 14, यानी आज का फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ही वाज एम्बेरेस्ड बिकॉज एवरीबॉडी वाज लाफिंग डैश हिम, सो ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी अबाउट। सो लाफिंग के साथ क्या बैठता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एट। ही वॉज एम्बेरेस्ड बिकॉज एवरीबडी वॉज लाफिंग एट हिम। क्वेश्चन नंबर 15, यानी आज का पाँच नंबर क्वेश्चन, शी केयर्स डैश एनवायरमेंट, ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी अबाउट। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अबाउट, शी केयर्स अबाउट द एनवायरमेंट, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16, इट वॉज काइंड डैश यू टू हेल्प, ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी अबाउट, ऑप्शन डी ऑन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ऑफ। काइंड के साथ ऑफ बैठता है या दूसरे जो सेंटेंस के हिसाब से बैठेगा, ध्यान रखना। इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प। क्वेश्चन नंबर 17, अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू कैंसिल इट ओइंग डैश द बैड वेदर, ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी अबाउट। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टू, ओइंग टू द बैड वेदर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड यू मेक डैश द लेक्चर, ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी अबाउट, ऑप्शन डी ऑफ। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑफ, व्हाट डिड यू मेक ऑफ द लेक्चर, ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बैठाना। क्वेश्चन नंबर 19, ही वॉज एक्यूज डैश थेफ्ट, ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी अबाउट, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी ऑफ। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड ए हैंड, ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी अबाउट, ऑप्शन डी ऑफ। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी फॉर। एज फॉर मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड ए हैंड, ध्यान रखना। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, थैंक यू।